सबको सादर नमस्कार। आज जन सरोकार मंच के माध्यम से मुझे स्वरचित कविता पाठ करने हेतु अवसर प्रदान कर अनुग्रहित किया गया है, उसके लिए मैं जन सरोकार मंच टोंक व श्री देवेंद्र जी शर्मा का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मैं भैरूलाल शर्मा जांगिर ग्राम बमोर तहसील व जिला टोंक का निवासी हूँ। मैं राजस्व विभाग में राज्य सेवा करते हुए गिरदावर के पद से जनवरी 2011 में सेवानिवृत्त हो चुका हूँ। मेरे द्वारा सन 1970 पूर्व से ही तत्समय कविता लेखन का प्रयास किया जा रहा है। तत्समय मेरे द्वारा रचित कविताएं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक है। समाज में व्याप्त विकार व बुराइयों को दूर करने के लिए कविता के माध्यम से मैं आपसे जुड़ रहा हूँ, कृपया निवेदन स्वीकार करें। कविता का शीर्षक मानवता। मानव अपनी मानवता खो रहा है, मानव अपनी मानवता खो रहा है, अपने लिए ही नफरत के बीज बो रहा है। प्रेम और विश्वास का अवसान हो गया, शर्म अनुशासन कुंभकर्ण बन सो गया। भाई भाई के दुश्मन है अब बने हुए, पिता के लहू से पुत्र के हाथ है सने हुए। स्वार्थ आतंकवाद का शैतान जाग उठा, सुरक्षित नहीं है कोई, हर प्राणी है लुटा लुटा। सुरक्षा सा मुंह फाड़ रही है महंगाई, आज यहाँ देसी घी के भाव बिक गए, आलू लहसुन प्याज यहाँ। शालीनता की सीता का हरण हुआ, देशभक्ति की सांझ ढली, दहेज से द्रौपदी नग्न हुई, भ्रष्टाचार की खिली कभी। आगे की कविता का शीर्षक है हैप्पी न्यू ईयर। वर्तमान में हम नए साल पर एक दिन नाच गान करके, खुशी मना करके, धूम धड़ाका करके, आतिशबाजी करके और उसकी नए साल की इतिश्री कर लेते हैं, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर शीर्षक है कविता का। कविता ये मैंने 1998 में लिखी थी, कृपया मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। कई घटनाएं लेकर वर्ष 98 चिर निद्रा में सो गया, नई आशाओं के साथ 1999 का उदय हो गया। शादी होकर नई नवेली बहू जब ससुराल आई, ससुराल वालों ने स्वागत में उसके पलकें बिछाई। इतना स्नेह देख वह मन में फूली, मेके के ममत्व को भूली। कुछ ही दिनों में रंग में भंग हुआ, सास का बहू से बिना कारण जंग हुआ। सास देने लगी रोज ही ताने, ननद भी लगी खरी कोटी सुनाने। कार फ्रिज रंगीन टीवी की मांग करने लगी, ये देख पति की भी भूख जगी। 5 लाख रुपए तेरे बाप से लाना, नहीं तो अपने आप को जिंदा मत पाना। एक दिन दूल्हे ने अपने हाथों से पहनाई थी वरमाला, और दहेज के लालच में उन्हीं हाथों से बहू को जलाकर मार डाला। दहेज के लालच में उन्हीं हाथों को बहू को जलाकर मार डाला। ऐसे ही हैप्पी न्यू ईयर की औपचारिकता मत निभाओ, सब मिलकर न्यू ईयर को हैप्पी बनाओ। ऐसे ही हैप्पी न्यू ईयर की औपचारिकता मत निभाओ, सब मिलकर के न्यू ईयर को हैप्पी बनाओ। जलाओ दहेज प्रथा को, बहु बेटियों को नहीं। जलाओ दहेज प्रथा को, बहु बेटियों को नहीं। जलाओ महंगाई जमाखोरी गरीबी की रोटियों को नहीं। जलाओ महंगाई जमाखोरी गरीब की रोटियों को नहीं। जलाओ आतंकवाद सांप्रदायिकता भाईचारे को नहीं। जलाओ आतंकवाद सांप्रदायिकता भाईचारे को नहीं। आपस की लड़ाई में
निरीह पशुओं के चारे को नहीं। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी अगर देश की जल जाएगी, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी अगर देश की जल जाएगी तो न्यू ईयर ही क्या पूरी जिंदगी ही हैप्पी बन जाएगी, तो न्यू ईयर ही क्या पूरी जिंदगी ही हैप्पी बन जाएगी। आगे की कविता निवेदन कर रहा हूं, आगे की कविता का शीर्षक है भ्रूण हत्या। ये कविता भी मैंने आज के 20 साल पहले लिखी थी और ये पत्रिकाओं में इनमें भी मेरे प्रकाशन हुआ है इसका कविता का। एक दंपति ने गर्भ का भ्रूण परीक्षण करवाया, एक दंपति ने गर्भ का भ्रूण परीक्षण करवाया तो गर्भ में लड़की होने का लक्षण पाया। भ्रूण हत्या करने की मन में ठानी, इनकी इच्छा गर्भ में पल रही लड़की ने जानी। लड़की ने क्या कहा, हे माता पिता तुम मुझे नष्ट क्यों करते हो, जन्म तो लेने देते इतना क्यों डरते हो, सत्य कहती हूँ तुम्हें नहीं ले जाऊंगी, आपकी प्रतिष्ठा पर आंच नहीं लाऊंगी, समाज में नाम रोशन करूंगी तुम्हारा, कुल की मान मर्यादा बढ़ाऊंगी, समाज में नाम रोशन करूंगी तुम्हारा, कुल की मान मर्यादा बढ़ाऊंगी, किंतु यह सुनने को नहीं थे वे तैयार, किंतु यह सुनने को नहीं थे वो तैयार, भ्रूण हत्या करवा दी दौलत से था उनको प्यार, किंतु यह सुनने को नहीं थे वह तैयार, भ्रूण हत्या करवा दी क्योंकि दौलत से उनको था प्यार। अगर ऐसा ही होता रहा तो नारी जाति विलुप्त हो जाएगी, अगर ऐसा ही होता रहा तो नारी जाति विलुप्त हो जाएगी, सीता सावित्री पन्नासी संतान कहाँ मिल पाएगी, सीता सावित्री पन्नासी संतान कहाँ मिल पाएगी, भरत शिवाजी सुभाष जैसे लाल जनेगी कौन यहाँ, भरत शिवाजी सुभाष जैसे लाल जनेगी कौन यहाँ, भाई की कलाई बहन की राखी के बिना तरस जाएगी, भाई की कलाई बहन की राखी के बिना तरस जाएगी। आगे कविता है, वर्तमान में हमारे देश में कोई भी क्षेत्र या कोई भी वस्तु अछूत नहीं है जिसमें मिलावट नहीं हो, मिलावट हर चीज में हो रही है और मिलावट करने वाले ये देश के दुश्मन है, ये खूब मिलावट कर रहे हैं और देश के मतलब जनता के साथ में, जनता के स्वास्थ्य के साथ में ये खिलवाड़ कर रहे हैं। कविता का शीर्षक है मिलावट। आटे में पत्थर का बुरा, पानी का मिला है तेल यहाँ, देसी घी में डाल डाका अच्छा करते मेल यहाँ। आटे में पत्थर का बुरा, पानी का मिला है तेल यहाँ, देसी घी में डाल डाका अच्छा करते मेल यहाँ, काली मिर्च में बीज पपीता, हल्दी में पीला रंग डाला, धनिये में गधे की लीद मिली, मिर्ची को गेरू कर डाला, धनिये में गधे की लीद मिली, मिर्ची को गेरू कर डाला, बादाम में काजू नकली मिलते, नकली मिलती अब दाल यहाँ, नक्कालों की ये दुनिया है नकली मिलते संभाल यहाँ, नक्कालों की ये दुनिया है नकली मिलते संभाल यहाँ। जहर भी असली नहीं मिलता, जहर भी असली नहीं मिलता मरने वाला जब खाता है, जहर भी असली नहीं मिलता मरने वाला जब खाता है, मरने से तो बच जाता है पर सीधा जेल में जाता है, मरने से तो बच जाता है पर सीधा जेल में जाता है, असली नकली का फर्क कहाँ एक जैसे लेबल लगे हुए, असली नकली का फर्क कहाँ एक जैसे लेबल लगे हुए, मेरे देश की जनता सो रही है ये देश के दुश्मन जगे हुए, मेरे देश की जनता सो रही है ये देश के दुश्मन जगे हुए। आगे की कविता का शीर्षक है आज़ादी की स्वर्ण जयंती। ये कविता मैंने आज़ादी की स्वर्ण जयंती पर
लिखी थी। आज के स्वर्ण जयंती अपनी आजादी की थी, उस समय लिखी थी 50 वर्ष पर। आजादी की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं हम सब आज, आजादी की स्वर्ण जयंती मना रहे हैं हम सब आज। वीरों की कुर्बानी से पाया है हमने ये स्वराज, वीरों की कुर्बानी से पाया है हमने ये स्वराज। किंतु किसी ने सोचा है क्या हम सच्चे आजाद हुए, किंतु किसी ने सोचा है क्या हम सच्चे आजाद हुए। गरीब गरीबी बना हुआ है भ्रष्टाचारी आबाद हुए, गरीब गरीब ही बना हुआ है भ्रष्टाचारी आबाद हुए। आतंकवाद जातिवाद सांप्रदायिकता आतंकवाद जातिवाद सांप्रदायिकता का हो रहा तांडव नृत्य यहाँ, आतंकवाद जातिवाद सांप्रदायिकता का हो रहा तांडव नृत्य यहाँ, महंगाई बेरोजगारी नारी पर हत्याचारों का कृत्य यहाँ, महंगाई बेरोजगारी नारी पर हत्याचारों का कृत्य यहाँ। सरेआम नीलाम हो रही इज्जत आज अबलाओं की, सरेआम नीलाम हो रही इज्जत आज अबलाओं की। न्यायालयों में न्याय बिक रहा चांदी है नक्कालों की, न्यायालय में न्याय बिक रहा चांदी है नक्कालों की। वास्तव में आबाद हुए हैं आतंकारी भ्रष्टाचारी, वास्तव में आजाद हुए हैं मिलावटी व मक्कारी। आंदोलन हड़तालों का अब तो चल रहा जोर यहाँ, आंदोलन हड़तालों का अब तो चल रहा जोर यहाँ। ऐसी आजादी से मानव आज हो रहा बोर यहाँ, ऐसी आजादी से मानव आज हो रहा बोर यहाँ। कविता आगे, कविता अंग्रेजी से संबंधित है, अंग्रेजी भाषा के अपन ज्यादा हो रहे हैं तो उससे संबंधित मैं निवेदन कर रहा हूँ, जो मेरे बुद्धि के अनुसार जो मति के अनुसार जो मैं निवेदन कर रहा हूँ। अंग्रेजी से मेरे देश की संस्कृति जीर्णशीर्ण हो गई, अंग्रेजी से मेरे देश की संस्कृति जीर्ण शीर्ण हो गई। हिंदी बोलने से शर्माते हैं ऐसी मानसिकता संकीर्ण हो गई, हिंदी बोलने से शर्माते हैं ऐसी मानसिकता संकीर्ण हो गई। पिता को कहते हाय डेड डेड, पिता को कहते हाय डेड और माता को मम्मी ये कहते हैं, पिता को कहते हाय डेड माता को मम्मी ये कहते हैं। चाचा दादा वो ताऊ कहाँ अब अंकल अंकल कहते हैं, चाचा दादा वो ताऊ कहाँ अब अंकल अंकल कहते हैं। पतिदेव का बजा दिया बाजा हंस बैंड पुकारती है नारी। डार्लिंग डार्लिंग कहती है शर्म गई इनकी मारी, डार्लिंग डार्लिंग कहती है शर्म गई इनकी मारी। मोबाइल मोटरसाइकिल मैडम का चल रहा दौर यहाँ, परिवारवाद अब खत्म हुआ प्यारे लगते हैं वो यहाँ, परिवारवाद अब खत्म हुआ प्यारे लगते हैं वो यहाँ। कविता कुछ देश के वर्तमान में जो अपने देश के जिनके हाथ में देश की बागडोरे कुछ नेताओं के कुछ कविता आपको मैं निवेदन कर रहा हूँ, कृपया ध्यान। मेरे देश के नेता अपनी ही जेबें भर रहे हैं,
और जिस दाव में बैठे हैं उसमें ही छेद कर रहे हैं। मेरे देश के नेता अपनी जेबें भर रहे हैं, जिस नाव में सवार हैं उसमें ही छेद कर रहे हैं। रक्षक ही भक्षक बने हैं आज मेरे देश में, रक्षक ही भक्षक बने हैं आज मेरे देश में। बाढ़ ही खेत को खा रही है, क्या काटोगे खेत में? बाढ़ ही खेत को खा रही है, क्या काटोगे खेत में? धन बल से चुनकर नेता जब संसद में जाते हैं, देश की रक्षा करेंगे हम, सौगंध ईश्वर की खाते हैं। धन बल से चुनकर नेता जब संसद में जाते हैं, देश की रक्षा करेंगे हम, सौगंध ईश्वर की खाते हैं। पर सब मर्यादा तोड़कर संसद को समर बनाते हैं, पर सब मर्यादा तोड़कर संसद को समर बनाते हैं। राष्ट्रहित की कौन कहे, अपना ही काम बनाते हैं। आज वर्तमान में हमारे देश में क्या पूरे विश्व में कोरोना महामारी से पूरी दुनिया त्रस्त है। कोरोना महामारी का बचाव सावधानी उपचार है, इसलिए सभी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से कि अपना बचाव रखें, अपनी सुरक्षा रखें और मास्क लगाकर ही बाहर घूमें। मास्क लगाएं, हाथ सैनिटाइज करें, हाथ धोएं, साबुन से हाथ धोएं, ताकि इससे अपने को बचा जा सके और भविष्य के लिए अपना भविष्य सुरक्षित रह सके। इस संदर्भ में अभी एक गीत मैंने लिखा है, तो वो निवेदन कर रहा हूँ मैं। कोरोना कहर बनके आग्यो रे चोड़े धाड़े, कोरोना कहर बनके आग्यो रे चोड़े धाड़े भाया हेला पाड़े। कोरोना कहर बनकर आग्यो रे चोड़े धाड़े भाया हेला पाड़े। ई कलयुग में भाया देखो पाप छा रहे हो भारी, ई कलयुग में भाया देखो पाप छा रहे हो भारी। ईश्वर ने नहीं माने कोई मती गई चे मारी। बेटो मात पिता ने डाटे रे चोड़े धाड़े, करोनो कहर बनकर आग्यो रे चोड़े धाड़े। अमेरिका रूस जापान चीन इटली भी घबराया, अमेरिका रूस जापान चीन इटली भी घबराया। प्रकृति ने सकल विश्व में रौद्र रूप दिखलाया, तारा दिन में ही दिखाया रे चोड़े धाड़े। कलयुग हेला देतो आग्यो रे चोड़े धाड़े, कोरोनो कहर बनकर आग्यो रे चोड़े धाड़े, कोरोनो कहर बनकर आग्यो रे चोड़े धाड़े। देश में मंदिर बंद हो गया रेला रुक गई सारी। काम धंधा रोजगार दफ्तर बंद हुआ सरकारी, काम धंधा रोजगार कारखाना रोजगार दफ्तर बंद हुआ सरकारी। जनता त्रस्त हो गई सारी रे चोड़े धाड़े, कोरोनो कहर बनकर आग्यो रे चोड़े धाड़े। कोरोना सु बचवो चाहो घर में रिजो भाई। साबुन सु हाथ धोजो इमर सबकी भलाई, साबुन सु हाथ धोजो इमर सबकी भलाई। मास्क पहर कर बतड़ाओ रे चोड़े धाड़े, करोनो कहर बनकर आग्यो रे चोड़े धाड़े माया हेला पाड़े, करोनो कहर बनकर आग्यो रे चोड़े धाड़े। कविता का अब निवेदन कर रहा हूं, कविता आपने सुनी कृपया कमेंट्स करेंगे और
मुझे मतलब इस संबंध में कुछ आपकी मतलब आपको सजेस्ट करना है, वो सजेशन भी देंगे। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत